ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। दो अकाउंट बनना है, कहता है अब मशीन परचेज 1,60,000 16/6/2015, डेट बड़ा अलग दे रखा है, आप में भी देखो यही है 16/6/2015, कितने का खरीदा? द कंपनी टुक डिलीवरी 27/6/2015 और कंपनी इस मशीनरी को घर पे लेके आता है और उसके ऊपर इनकर्ड कर लेता है, स्पेंड कर देता है वो 2,500 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। द मशीन वॉज इंस्टॉल्ड 15/7/2015, स्पेंडिंग और फिर से स्पेंड कर देता है कितने? एंड वेजेस 1,000, कंसल्टेंसी सॉरी 1,000 कंसल्टेंसी है, वेजेस भी 2,000 है ना, एक मिनट, 2,500 एक खर्चा, फिर 2,000 फॉर वेजेस, 2,500 है ना इंस्टॉलेशन का, 25 ट्रांसपोर्ट मशीन एंड स्पेंडिंग, 2,000 वेजेस और 1,000 रुपए कंसल्टेंसी, इंस्टॉलेशन का कोई चार्ज नहीं है, चलो वेजेस और फिर और क्या है, कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं ना जो कि हमें किसी से सलाह लेके खरीदनी चाहिए, राय लेके, कोई बड़ी चीज है कि भाई ये देख लो खरीदे तो अच्छा है या नहीं है, तुमने यूज किया है बताओ कैसे है, तो सामने वाला कुछ ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं कि भाई ये ले लो ये बढ़िया है, तो आप उसको पे करने के लिए तैयार रहते, तो वो हो गया। तो दैट इज कितने हो गए, 6,000, 45,500, 1,65,500, ट्रायल रन 15/11/2015, स्पेंट 2,500, फिर 2,500 कर दिए भाई, तो मशीनरी हो गया हमारा 1,67,000। द मशीन पुट टू यूज 1/1/16, यानी 1/1/16 से इस पे डेप्रिसिएशन लगना चालू होगा। एक क्वेश्चन किया था हमने याद होगा पुट टू यूज वाला, तो जिस दिन से हम एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं उस दिन से डेप्रिसिएशन लगेगा। आगे कहता है यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन वॉज एक्सपेक्टेड 5 ईयर, ठीक है सर इसकी लाइफ 5 ईयर है, और एंड एक्सपेक्टेड 12,000 रुपए का हमारा सालवेज वैल्यू रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, सो द मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अंज्यूमिंग रिलाइज 13,000 का होगा एंड ऑफ द 5 ईयर, और आपको 31 दिसंबर बंद हो जाता है, तो हमें कब तक बनाना है, कितने साल के लिए बोला, एक्सपेक्टेड टू बी 12,000 द फर्म, सो मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट That machine realize 13,000 at the end of 5th year, और इसे 13,000 रुपए का इस मशीनरी को बेच दिया गया। तो सबसे पहले डेप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, याद है आपको सर, टोटल कॉस्ट 167, इसमें से माइनस क्या कर दो सर, स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, पहले क्या कह रहा था लाइफ कितनी है इस मशीनरी की, यूजफुल लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेड 5 ईयर, तो 5 साल हो गए, तो कितने हो जाएंगे, इकतीस हजार रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, 5 सालों तक बनाना है और दिसंबर फॉलो होगा, तो 31/12/68 होगा, 68 ओके, ये 200 हो जाएगा ना, सारा चेंज करते हैं, ठीक है। अब सर पहले डेप्रिसिएशन एसएलएम है तो 16 में लगेगा, 1 साल हो जाएगा, ये बच गया 1/36, फिर 31, 1 डेट क्या आया, 1/1/2017, 31
12 2017 फिर से 31 200 ये आ गया 10 5600 फिर आ गया 1 2018 तीसरा साल जा रहा है ये 31 12 2018 फिर 31 200 तीन साल कंप्लीट 74 400 फिर 1 2019 31 12 2019 31 200 43 200 इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ मैं 43 200 और फिर माइनस होगा 31 200 लास्ट तो 12,000 बच गए जिसको आपने बेच दिया तो 1,000 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। 5 सालों का आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है और 5 सालों का आपका सारा काम करना है। तो इस पेज पे पॉसिबल नहीं है कि 5 साल का हम बना ले, तो हम इसके लिए क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे सिर्फ अकाउंटिंग कर लेंगे क्योंकि कुछ ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। चलिए अकाउंट पहले बना लेते हैं हम। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, पहले फर्स्ट डेट आ गया हमारा 1/1/16 ना, 2 बैंक कितने का खरीदा 168, सीधा अमाउंट लिखना है आपने। क्या अब हमने इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन यहां लगाएंगे या दूसरे अकाउंट में लगाएंगे? सर दूसरे अकाउंट में लगेगा। कब लगेगा? 31/12/16 में, 31/12/16 में क्या लगेगा? बाय डेप्रिसिएशन 31,200। बस फर्स्ट ईयर कंप्लीट टोटल कर देते हैं। वन सिक्सटी एट और इधर भी आ जाएगा 1। बस यहां पे लिखने का काम ज्यादा हो जाता है थोड़ा। बैलेंस सीडी 31/12/16 1/1/17 टू बैलेंस बीडी 168। चलो इसको भी बैलेंसिंग फिगर कर लो फिर। इकतीस दो सौ टू बैलेंस सीडी 1/12/16 इसके बाद 1/1/17 टू बैलेंस पीडी, टू नहीं आएगा ये आएगा बाय 31,200। ठीक है यहां तक। अब हम आते हैं यहाँ पे दूसरे साल की ओर। तो दूसरे साल भी इधर डेप नहीं लगाएंगे, इसी साइड लगाएंगे एसएलए में, क्योंकि तो आपको तो पता ही है कितना लगेगा। बाय डेप्रिसिएशन 31। चलिए क्लोज करते हैं। 62,400 टू बैलेंस सीडी 31/12 1/1/17 बाय बैलेंस पीडी 62,400। सेम इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाए। 2 साल डन हो गए। देखो
बाय बैलेंस 168 31 12 1 1 18 टू बैलेंस BD 168 इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर से इधर भी 168, फिर इधर भी 168, फिर इधर भी 168, फिर इधर भी 168, चलो बाय बैलेंस CD 31 12 और 1 1 19 टू बैलेंस BD कितने साल हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, चौथा साल चल रहा है हमारा, फिर से यहाँ पे लग जाएगा 31 बाय डेप्रिसिएशन, अब कितने हो गए 93 93 और यहाँ आ गया टू बैलेंस CD, अब डेट आ गया 1 31 12 19 और अब आ गया 1 1 20 बाय बैलेंस BD 93 600, ठीक है 19 आएगा 20 आएगा 19 आएगा ये आएगा 19। अब फिर डेप हमारा लगना है तो 31 12 बाय बैलेंस CD 168 कितने साल हो गए, 4 1 2 3 4 5 साल करना है ना, फिर से 168 168 और टू बैलेंस BD 1 1 20 लास्ट ईयर है ये, चलिए एंड में बेचा है बिल्कुल 31 12 बाय डेप्रिसिएशन, इसके बाद 31 टोटल बताइए 124 800 124 800 टू बैलेंस CD 124 800 1 12 19 पर आप क्या आ गया 1 1 20 बाय बैलेंस BD 1 24 800 अब डेप लगेगा 31 12 को, लास्ट ईयर है 31 200 ठीक है सर, कितने आ गए 156 और इधर भी क्या आ गया 156 क्योंकि ये बिक गया है मशीनरी इस साल 20 में, तो अब हम यहाँ बैलेंस CD नहीं लिखेंगे, जो मशीनरी बिका है उसका टोटल डेप बाहर निकालना है, तो टोटल डेप उसका बन रहा है 156 का, आप काउंट करोगे ना सारा तो 156 ही बनेगा वो, तो इस डेप्रिसिएशन को हम इधर कर देते हैं और वर्ड क्या नाम यूज करेंगे मशीनरी 156 किस डेट पे 31 12 20 को, और ये इधर आ जाएगा बाय PFD 156 बेचा कितने का बाय बैंक से 13,000, तो आप देखेंगे यहां पे 168 आना चाहिए, आ रहा है चेक करो, मुझे तो नहीं लग रहा आ रहा है, डेप्रिसिएशन गलत तो नहीं लगा है, हाँ प्रॉफिट भी तो है टू प्रॉफिट, प्रॉफिट भी इधर आ जाएगा 1000 160 कहानी खत्म, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था 31 12 और 31 12, क्योंकि इस सवाल में एक ही मशीनरी था तो मैंने एक ही, अभी तक जितना भी हमने किया है हमने बहुत ज्यादा ऐसा एक्सप्लोर नहीं कर लिया इस क्वेश्चन में, हमने सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करने की एक हैबिट डाला है कि भाई ये अमाउंट इधर 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 कैसे जाए बस, ठीक है ना, उसके बाद दो मशीनरी आ जाए तीन मशीनरी आ जाए कुछ भी आ जाए वो इजीली हो जाएगा, पहले यहां तक बताइए कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है आपको बताइए, क्लियर है ठीक है,
तो इसका वर्किंग नोट पीछे था और ये आगे हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 12 भी एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क क्या आया कि यहां पे मशीनरी को बेचा गया है और कुछ मशीनरी हमारे पास बच भी जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन रखेंगे हम होमवर्क में। पहले आप पुराने वाले को नोट कर लीजिए।